हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ एलपीपी, यानी कि लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो पहले हम देखते हैं उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से लिखी जाती है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो पॉइंट है वो है ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन मे बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। जिस तरीके को ये लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम है हमारे पास, इसमें जो ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन ये है हमारे पास, या तो मैक्सिमाइज होगा या मिनिमाइज होगा। तो इसमें हमारे पास ये मैक्सिमाइज है। इस तरह से RHS ऑफ ऑल कंस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि जो RHS राइट हैंड साइड में जो कंस्टेंट है ये हमारे पास जो है कंस्टेंट होती है। जो कंडीशंस जो होती है हमारे पास वो कंस्टेंट होती है। अब यहाँ पर जैसे ये ग्रेटर देन वन है, फोर ग्रेटर देन वन है, ये जो नंबर होंगे ग्रेटर देन वन होंगे। थर्ड, ऑल वेरिएबल मस्ट बी नॉन नेगेटिव, यानी जो भी वेरिएबल होंगे, यानी एक्स वन एक्स टू जो वेरिएबल है इसमें, ये हमेशा नॉन नेगेटिव होंगे। या तो जीरो हो सकते हैं बट जीरो से छोटे नहीं हो सकते, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होंगे। सेकेंड है, लास्ट है हमारे पास ऑल कंस्टेंट आर इन इक्वेशन, जो कंस्टेंट होंगे हमारे पास वो इक्वेशंस के फॉर्म में होंगे। यानी कि जैसे ये है हमारे पास कंस्टेंट, तो ये इनइक्वलिटी में ना होकर इक्वेशन के फॉर्म में होंगे। अब फ्रेंड्स, पहले हम ये सॉल्व करते हैं। फाइंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फॉलोइंग, हमारे पास फर्स्ट दिया हुआ है मैक्सिमम जेड बराबर टू एक्स वन प्लस एक्स टू, सब्जेक्ट टू कंडीशन है एक्स वन प्लस एक्स टू लेस देन इक्वल टू वन, टू एक्स वन माइनस एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, एक्स वन ग्रेटर देन जीरो, एक्स टू लेस देन इक्वल टू जीरो। अब इसका हमें स्टैंडर्ड फॉर्म चेंज करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन मे बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज है। तो ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन है हमारे पास वो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज फॉर्म में है। तो हमारे पास मैक्सिमाइज जेड बराबर टू एक्स वन प्लस एक्स टू। थर्ड कंडीशन है RHS ऑफ ऑल कंस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो हमें इसमें ये हमारे पास क्लियर है, यानी हमने ये चेक कर लिया, ये चेक कर लिया। थर्ड है हमारे पास आल वेरिएबल मस्ट बी नॉन नेगेटिव, तो आल वेरिएबल यानी एक्स वन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्स टू क्या है लेस देन जीरो दिया हुआ है। तो हम ये डिफाइन करते हैं, लेट एक्स टू बराबर माइनस एक्स टू डैश, या फिर इसको हम कह सकते हैं माइनस एक्स टू डैश बराबर सॉरी माइनस एक्स टू बराबर एक्स टू। इस तरह से हमने एक डिफाइन कर लिया, दोनों में एक ही बात है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें माइनस मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा। तो हमने ये हमने डिफाइन कर लिया कि माइनस एक्स टू बराबर एक्स टू सॉरी एक्स टू डैश है यहाँ। तो अब यहाँ पे चूंकि एक्स टू जो है, अब ये जो है हमारे पास एक्स टू वो है हमारे पास लेस देन इक्वल टू जीरो, बट माइनस एक्स टू तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो माइनस एक्स टू बराबर क्या है एक्स टू डैश, तो यहाँ से हुए हमारे पास एक्स टू डैश ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो हमने डिफाइन कर दिया एक यहाँ पे, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं डिफाइन माइनस एक्स टू बराबर एक्स टू डैश। अब ये हो गया हमारे पास, और एक्स वन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ही, और एक्स टू डैश भी जो है अब वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो चुका है। तो ये हो गया हमारे पास एक्स टू ग्रेट एक्स टू डैश ग्रेटर देन जीरो और एक्स वन ग्रेटर देन जीरो, ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास। थर्ड, अब ये हमारे पास दो वेरिएबल थे जो हमने डिफाइन कर दिए, तो ये भी हमारे पास कंस्टेंट जो कंडीशन थी सेटिस्फाई हो गई। ऑल कंस्टेंट आर इन इक्वेशन, अब जो कंस्टेंट होनी चाहिए वो इक्वेशन में होनी चाहिए, इक्वेशन की फॉर्म होनी चाहिए। तो इक्वेशन की फॉर्म में इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ सेलेक्ट वेरिएबल जोड़ना होगा, इसमें सरप्लस वेरिएबल जोड़ना होगा। सेलेक्ट वेरिएबल सरप्लस वेरिएबल क्या होते हैं फ्रेंड्स, सेलेक्ट वेरिएबल सरप्लस वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो हमारे पास इसकी जो कमी है लेस देन इक्वल टू है लेस देन जो है उस साइन को हटा के इक्वलिटी के लिए लाएंगे, और सरप्लस वेरिएबल जो है अगर अधिक है ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हम उस वेरिएबल को माइनस करते हैं और वो बराबर उसके बराबर में जो इक्वेशन इक्वलिटी का साइन है इसको हटा देता है। यानी जो सेलेक्ट वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो लेट एस वन इज सेलेक्ट वेरिएबल हिंदी में इसको फ्रेंड्स
निम्नता पूरक वेरिएबल कहा जाता है, और एंड एस टू इज एस टू इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए सरप्लस वेरिएबल। लेट एस वन इज स्लैक वेरिएबल एंड एस टू इज सरप्लस वेरिएबल, और दोनों एस वन और एस टू जो है क्या होते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होते हैं। तो अब यहाँ से हम इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिख सकते हैं फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, मैक्सिमम जेड बराबर टू एक्स वन प्लस एक्स टू सब्जेक्ट टू कंडीशंस। यहाँ पे हम देखते हैं तो एक्स वन प्लस एक्स वन, अब एक्स टू की जगह क्या है हमारे पास, एक्स टू की जगह क्या है, यहाँ से अगर हम देखें तो एक्स टू की जगह माइनस एक्स टू डैश, तो माइनस एक्स टू डैश प्लस एस वन इक्वल टू वन, यानी हमें स्लैक वेरिएबल जोड़ दिया यहाँ पे। और सेकंड है हमारे पास टू एक्स वन माइनस एक्स टू, माइनस एक्स टू की जगह हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से माइनस एक्स टू की जगह एक्स टू डैश, तो प्लस एक्स टू डैश माइनस एक्स टू इक्वल टू फोर, और जहाँ पे एक्स वन एक्स टू डैश एस वन एस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो हमारे पास फ्रेंड्स अब ये, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसमें हमारे पास देखते हैं ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन में भी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, जो ये हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन है मैक्सिमम की फॉर्म में है। आर एच एस ऑफ ऑल कंस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो आर एच एस कंस्टेंट में वन एंड फोर है जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ऑल वेरिएबल मस्ट बी नॉन नेगेटिव, तो वेरिएबल जो होते हैं एक्स वन एक्स टू डैश एस वन एस टू ये नॉन नेगेटिव है, और फोर्थ जो है हमारे पास ऑल कंस्टेंट आर इन इक्वेशन, तो ये इक्वेशन की फॉर्म में है दोनों कंस्टेंट जो हैं। तो इस कंडीशन हम कह सकते हैं कि ये जो फॉर्म है इस प्रॉब्लम का स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम थी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। अब फिर हम सेकंड पे जाते हैं, अगर सेकंड को देखते हैं तो मैक्सिमम जेड बराबर टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू कंडीशन है एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस एक्स थ्री लेस देन इक्वल टू वन, टू एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू प्लस एक्स थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, एक्स वन ग्रेटर देन जीरो एक्स टू लेस देन जीरो एंड एक्स थ्री इज नॉन डिफाइंड, जो एक्स थ्री है उसको डिफाइंड नहीं किया गया, यानी एक्स थ्री जो है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ये हमारे पास नॉट डिफाइंड है। तो उस कंडीशन हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम क्या करेंगे एक्स थ्री जो कि नॉट डिफाइन है इसको इन्हीं के अकॉर्डिंग चलते हैं फिर। तो ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन में भी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज मैक्सिमम फॉर्म में है, ये हमारे पास फिर से देखते हैं, ये हमारे पास क्लियर है। आर एच एस ऑफ ऑल कंस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आर एच एस जो है वन एंड फोर है ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ऑल वेरिएबल मस्ट बी नॉन नेगेटिव, अब ऑल वेरिएबल में देखते हैं तो एक्स वन जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है नॉन नेगेटिव है, बट एक्स टू लेस देन जीरो ये हमारे पास एक नेगेटिव है, और एक्स थ्री जो है वो डिफाइन ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम एक्स टू और एक्स थ्री को डिफाइन करना है, तो डिफाइन करते हैं पहले हम सॉल्यूशन, माइनस एक्स टू बराबर एक्स टू डैश डिफाइन कर लिया हमने फर्स्ट, तो ये डिफाइन करना है हमें पहली बार, ये हमने डिफाइन कर लिया। अब एक्स थ्री को क्या डिफाइन करेंगे, लेट एक्स थ्री बराबर एक्स थ्री डैश माइनस एक्स थ्री डबल डैश, जहां पे वेयर एक्स थ्री एंड एक्स थ्री डैश एंड एक्स थ्री डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कोई एक्स थ्री ये नंबर है हमारे पास फ्रेंड्स, तो हमको हम जो भी वेरिएबल है उसको हमने डिफाइन कर लिया कि एक्स थ्री डैश माइनस एक्स थ्री डबल डैश दो पॉजिटिव नंबर्स के माइनस के रूप में लिखा है। अब इसको हम कैसे कह सकते हैं, जैसे अगर माइनस टू है, सपोज एक्स टू बराबर माइनस टू है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स थ्री को हम लिख सकते हैं, अगर इसको कई तरह से लिख सकते हैं, तो फर्स्ट हम इस तरह से लिख सकते हैं
इसको हम 4 दे दें और इसको हम 6 दे दें, x3-4 है और x3-6 है, तो इस तरह से हमारे पास ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और x3 जो है वो नेगेटिव है, तो इस तरह से हमने इसको डिफाइन कर लिया है। x3 बराबर ये हमने इस तरह से डिफाइन कर दिया x3-x3, तो यहाँ पे ये भी दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और यहाँ से x2-0 आ गया, क्योंकि ये x2 जो था वो नेगेटिव था, लेस देन इक्वल टू 0 था, तो उसका नेगेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमारे पास ये हो गया ऑल वेरिएबल मस्ट बी नॉन नेगेटिव, हमारे पास x3 को भी हमने इस तरह से डिफाइन करके नॉन नेगेटिव कर दिया। फोर्थ हमारे पास आर कंस्टेंट आर इन इक्वेशन, अब जो आर कंस्टेंट जो होंगे वो इक्वेशन में होंगे, तो इक्वेशन में इसके लिए हमें सिलेक्ट वेरिएबल जोड़ना होगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू का साइन है, इसके लिए हमें सरप्लस वेरिएबल जोड़ना होगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। लेट s1 इज सिलेक्ट वेरिएबल एंड s2 इज सरप्लस वेरिएबल। अब ये हो गया हमारे पास s1 और s2 को भी हमने सिलेक्ट एंड सरप्लस वेरिएबल जोड़ दिया, तो सब ये करेंगे तो इसमें हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन हटके इक्वेशन में कैसा आ जाएगा, तो अब इक्वेशन को लिखते हैं, तो पहले लिखते हैं मैक्सिमम जेड बराबर 2x1+x2+x3 सब्जेक्ट टू कंडीशंस x1, अब यहाँ पे हमारे पास x2 था प्लस x2 है, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस x2 की जगह क्या आएगा, अगर x2 की जगह देखो तो माइनस x2 डैश एंड x3 की जगह आ जाएगा हमारे पास माइनस, यहाँ x3 की जगह क्या आएगा हमारे पास x3-x3, तो ये हो जाएगा x3-x3। और साथ ही यहाँ पे हमारे पास सिलेक्ट वेरिएबल आएगा तो वो आ जाएगा s1=1। और अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x1+3x2, तो यहाँ पे आ जाएगा -3x2-x3 की वैल्यू रखेंगे तो x3-x3-4। ये हो गया हमारे पास, और जहाँ पे जो वेरिएबल है वो है हमारे पास x1, x2, x3, s1, s2 जो भी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये हमारे पास फ्रेंड्स इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं थर्ड, अब थर्ड को हम देखते हैं, तो क्या हमारे पास मैक्सिमम जेड बराबर थर्ड ये हमारे पास मैक्सिमम जेड बराबर x1+x2+x3 सब्जेक्ट टू कंडीशन है x1-x2+x3<5 2x1-x2+3x3>7 x1-x2+3x3>0 x1 and x2 आर नॉट डिफाइंड और x3 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी x1 and x2 जो है डिफाइन ही नहीं है हमारे पास, तो पहले हमें इनको डिफाइन करना होगा क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको चेक करने की जरूरत नहीं थी हमारे पास। और RHS जो कंस्ट्रक्ट है 5 and 7 वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। हम डायरेक्ट वेरिएबल पर आते हैं, वेरिएबल पे हमारे पास x1 और x2 है नॉट डिफाइन, तो पहले हमें इनको डिफाइन करना होगा फ्रेंड्स। तो डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, लेट हम इसको सिंपली इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं जैसे हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में किया था, x3 को अलग से डिफाइन कर दे, सॉरी x1 को x1-x1 और x2 को x2-x2। इस तरह से भी डिफाइन करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर हमारे पास दो केस हैं तो हमारे पास और भी ऑप्शन है जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं।
इसे डिफाइन करने इस तरह से डिफाइन करना है कि जो वेरिएबल है नंबर ऑफ वेरिएबल्स वो ज़्यादा इंक्रीज ना हो, क्योंकि जितने वेरिएबल होते हैं प्रॉब्लम में उतनी हमारे पास प्रॉब्लम टिपिकल हो जाती है। तो हम पहले कोशिश करेंगे इसको इस तरह से डिफाइन करें कि इसकी जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो कम हो, ज़्यादा बढ़े नहीं। तो लेट वाई बराबर मिनिमम ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू, यानी वाई को डिफाइन कर दिया हमने, वाई जो है वो मिनिमम ऑफ एक्स वन और एक्स टू है। और फिर यहाँ पर अब तक हमारे पास जो वाई है वो भी हमारे पास अनरजिस्टिकेट है, क्योंकि वाई जो है मिनिमम या तो एक्स वन होगा या एक्स टू होगा, बट जो भी होगा वो मिनिमम वाला पॉइंट होगा। लेट जेड वन बराबर एक्स वन प्लस वाई एंड जेड टू बराबर एक्स टू प्लस वाई, ये हमने डिफाइन कर दिया कि जेड वन जो है हमारे पास एक्स वन प्लस वाई है और जेड टू है वो है एक्स टू प्लस वाई, यानी जो मिनिमम था उनको उसी में ऐड कर दिया हमने। और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एक्स वन बराबर जेड वन माइनस वाई एंड एक्स टू बराबर जेड टू माइनस वाई। फिर ये हो गया हमारे पास एक्स वन बराबर एक्स जेड वन बराबर क्या है एक्स वन प्लस वाई, जेड टू बराबर क्या है एक्स टू प्लस वाई। यहाँ पे फ्रेंड समझे जो वाई को डिफाइन किया है वो मोड ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स एंड वाई, यानी जो अगर नेगेटिव है तो उसका भी हमें पॉजिटिव पार्ट लेना है, एंड जेड बराबर एक्स वन प्लस वाई एंड जेड टू बराबर एक्स प्लस वाई। और फिर से यहाँ पे हम देख सकते हैं वाई जो है मिनिमम है और इनका पॉजिटिव नंबर है, यानी मिनिमम अगर ये कोई नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, एक्स वन मिनिमम है तो एक्स वन प्लस जो वाई है तो वो जीरो हो जाएगा जेड वन, और अगर एक्स टू मिनिमम है तो एक्स टू प्लस वाई जो है जीरो हो जाएगा, और अगर एक्स टू इनसे बड़ा है तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा ऑटोमेटिकली। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ऑल कंस्टेंट आर इन इक्वेशन, यानी एक्स जेड वन और जेड टू जो है हमारे पास यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गए। अब हमें शो करना है ऑल कंस्टेंट आर इन इक्वेशन, जो सभी कंस्टेंट होने चाहिए वो एक इक्वेशन फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम जेड बराबर फिर कंस्टेंट जो ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन हटा के हमें कंस्टेंट को चेंज करना है। तो पहले फ्रेंड्स इसमें क्या करना होगा, हमें सिलेक्ट वेरिएबल जोड़ना होगा, इसमें सरप्लस वेरिएबल और इसमें सिलेक्ट वेरिएबल। लेट एस वन एंड एस थ्री सिलेक्ट वेरिएबल हैं एंड एस टू इज सरप्लस वेरिएबल। अब फिर ये हमारे पास सिलेक्ट वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल ऐड कर दिए, तो अब क्या हो गया हमारे पास प्रॉब्लम को हम लिख सकते हैं मैक्सिमम जेड बराबर यहां से देख रहे हैं एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, सब्जेक्ट टू कंडीशन जो होंगे हमारे पास वो हो जाएंगे हमारे पास एक्स वन की जगह क्या पुट करना है हमें जेड वन माइनस वाई, जेड वन माइनस वाई, और यहाँ पे जाएगा हमारे पास एक्स टू की जगह हमें पुट करना है जेड टू माइनस वाई, तो माइनस जेड टू प्लस वाई, और ये हो गया हमारे पास प्लस एक्स थ्री, तो एक्स थ्री को हमने कुछ डिफाइन नहीं किया था, ये एक्स थ्री था प्लस एस वन इक्वल टू फाइव, और यहाँ पे देखते हैं तो एक्स वन की जगह हमें क्या पुट करना है जेड वन माइनस वाई, तो टू जेड वन माइनस टू वाई, एंड एक्स टू की जगह पुट करना है हमें जेड टू माइनस वाई, तो माइनस एक्स टू माइनस जेड टू प्लस वाई, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि सरप्लस वेरिएबल है तो माइनस एक्स टू इक्वल टू सेवन। फिर से हमें एक्स की जगह जेड वन माइनस वाई पुट करना है जेड वन माइनस वाई, एंड एक्स टू की जगह फिर से हमें जेड टू माइनस वाई पुट करना है माइनस जेड टू प्लस वाई प्लस थ्री एक्स थ्री प्लस एस थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास सारे जो वेरिएबल हैं वो है हमारे पास एक्स वन सॉरी
z1 y z2 x3 s1 s2 s3 greater than equal to 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में और क्या चेंज कर सकते हैं, फिर से हम यहाँ से y से y को काट सकते हैं, यहाँ पे y से y को काट सकते हैं, और साथ ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस वाई और प्लस वाई से यहाँ पे एक वाई रह जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है फ्रेंड्स, ये जो फॉर्म है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। फिर अगर आपको किसी तरह का डाउट है, क्वेश्चंस में डाउट है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9460689761। फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप ही करना है, कॉल नहीं करना है। अगर कॉल करोगे तो मैं आपको कोई सोल्यूशन नहीं दे पाऊंगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।